हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं अपना एडिट प्रोफाइल मॉड्यूल, जिसमें हम लोग बनाएंगे प्रोफाइल फ़ोटो को कैसे अपलोड करेंगे और हम लोग प्रॉपर मैसेज कैसे दिखा पाएंगे स्क्रीन पे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था कि इन डिटेल्स को कैसे ऐड करेंगे, नेम को कैसे अपडेट करेंगे, नेम को, ईमेल को, पासवर्ड को, इसको और इस इमेज जो आप सेलेक्ट करोगे उसका नाम कैसे डेटाबेस में अपडेट करेंगे। बट हम लोगों ने ये नहीं सीखा था कि इस फ़ोटो को कैसे अपलोड करेंगे उस पिक्स वाले फोल्डर में। कौन से पिक्स वाले फोल्डर में? जिस फोल्डर में आपको फ़ोटो रखनी है। तो हम लोग यहाँ पे यही चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम लोग पिक को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, साथ ही साथ में एक प्रॉपर यूज़फुल मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको थ्योरी समझा देता हूँ, लॉजिक, ठीक है, कि कैसे हम लोग को अपडेट करना है। तो हम लोग थ्योरी पहले समझते हैं। तो लेट अस सपोज हम यहाँ पे हैं, हम लोग सर्वलेट पे, एडिट सर्वर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किस पे काम कर रहे हैं भाई? एडिट सर्वलेट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग के पास रिक्वेस्ट आएगी तो हम लोग सबसे पहला क्या काम करेंगे, हम लोग सारी डिटेल्स को उठा के डीबी में अपडेट कर देंगे। ये तो काम हो चुका। उसके बाद हम लोग को फाइल को पिक्स वाले फोल्डर में अपडेट करना है। ये इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट वाली प्रोफाइल ऑलरेडी आपके पास होगी। क्या डिफ़ॉल्ट वाली प्रोफाइल ऑलरेडी आपके पास होगी? तो मैं क्या करूँगा, सिंपली देखिए, इस वाली को ध्यान ना देते हुए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे दो फंक्शन बनाऊँगा। एक फंक्शन बनाऊँगा डिलीट फाइल, ठीक है, एक फंक्शन बनाऊँगा हेल्पर में डिलीट फाइल। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं स्पेलिंग सही कर लेता हूँ। तो फंक्शन हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होता है, जावा में कैमल केस फॉलो होता है। तो मैं एक बनाऊँगा डिलीट फाइल, इस फंक्शन को मैं क्या दे दूंगा, और ये हेल्पर में बनाऊंगा, इस फंक्शन को मैं पाथ दे दूंगा, क्योंकि मुझे पुरानी फोटो जो होगी वो डिलीट करनी होगी। तो इसको मैं पाथ दे दूंगा और मैं यहाँ पे कोड लिख दूंगा किसका, डिलीट फाइल का। ठीक है, फाइल को डिलीट करने वाला, तो मैं फाइल को डिलीट करने वाला यहाँ पे कोड लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि करूंगा क्या भाई, क्योंकि सबसे पहले जो पुरानी फोटो होगी यूजर की वो हम लोग इस फंक्शन को कॉल करके डिलीट करेंगे। ठीक है, किसे, पुरानी फोटो इस फंक्शन को कॉल करके डिलीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को, कौन से फंक्शन को, डिलीट फंक्शन को कॉल करके अपनी पुरानी फोटो डिलीट करेंगे। सबसे पहला ये स्टेप होगा अपडेट करने के बाद, डिटेल्स को अपडेट करने के बाद। दूसरा, हम लोग एक फंक्शन बना देंगे सेव फाइल, ठीक है, सेव फाइल, और इसको दो चीज़ दे देंगे, एक इनपुट स्ट्रीम देंगे, साथ ही साथ में हम पाथ देंगे। ठीक है, ये सेव फाइल फंक्शन क्या करेगा, ये दो काम करेगा। ये सेव फाइल फंक्शन इस IS से पहले डेटा को रीड करेगा, डेटा को रीड करेगा और एक बाइट एरे में रख देगा, किसमें, बाइट एरे में रख देगा, और बाद में ये इस पाथ वाली फाइल में राइट कर देगा। दैट मीन्स इस पाथ वाली फाइल में सिंपली इस डेटा को राइट कर देगा। दैट मीन्स हमारी नई फोटो मिल जाएगी इस वाले पाथ पे, ठीक है, इस वाले पाथ पे। तो हम लोग का दो स्टेप ये होगा फाइल को अपलोड करने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई, पुरानी फाइल को डिलीट करना, उसके लिए एक डिलीट फंक्शन होगा, और नई फाइल को सेव करने के लिए एक सेव फंक्शन होगा। ये इसमें क्या करेंगे, हम डिलीट फाइल का कोड लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक IS देंगे, इनपुट स्ट्रीम, जिससे डेटा रीड करना है, डेटा वाले वेरिएबल में रखना है, और पाथ वाले इस पाथ पे राइट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यही दोनों फंक्शन बनाते हैं अपनी हेल्पर वाली क्लास में। ठीक है, और दोनों फंक्शन को स्टैटिक रखेंगे हम लोग, जिससे कि कॉल करने में कोई भी दिक्कत ना हो, स्टैटिक रखेंगे। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैटिक रखेंगे। चलिए, तो हम लोग आ जाएंगे अपने नेटबीन्स में, और हम लोग अपने, देखिए यहाँ पे हम लोग के पास एक हेल्पर पैकेज है जिसके अंदर कनेक्शन प्रोवाइडर है। हम लोग यहाँ पे क्लास बना लेंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू, और न्यू में हम लोग क्लास बना लेंगे, एक सिंपल जावा की क्लास बना लेंगे हेल्पर, क्योंकि मुझे वही दोनों फंक्शंस बनाने हैं। तो हम लोग हेल्पर में सबसे पहला फंक्शन बनाएंगे डिलीट फाइल। तो हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड डिलीट फाइल, और डिलीट फाइल को देना क्या था भाई, पाथ, जिस पाथ की फाइल को हमें डिलीट करना है सिंपली। और हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग बुलियन वाला ही काम करेंगे। इसमें बुलियन में हम ले लेंगे यहां बुलियन F, और F को बाय डिफॉल्ट फॉल्स मान लेंगे, और इसको यहां से हम क्या कर देंगे, F को सिंपली रिटर्न कर देंगे। ठीक है, F को सिंपली रिटर्न कर देंगे, तो हम बुलियन F ले लेंगे। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लगा देंगे ट्राई कैच, क्योंकि मुझे फाइल को क्या करना है, डिलीट करना है, तो ट्राई कैच लगा देंगे। और ट्राई कैच में सिंपली मैं क्या करूँगा, आप देख पाओगे कि मैं यहाँ पे ट्राई कैच में, पहले तो आप कैच में स्टैक को प्रिंट, स्टैक ट्रेस को प्रिंट कर दिए, जिससे अगर कोई एरर आए तो दिख जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम लिखेंगे फाइल, फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल, तो एक फाइल बन जाएगी और हम पाथ को पास कर देंगे। किसको पास कर देंगे पाथ को, दैट मीन्स ये पाथ चला जाएगा इस फाइल के पास और ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पाथ को एज अ फाइल। फिर हम कॉल करेंगे फाइल डॉट डिलीट, आपकी फाइल जो होगी वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने f को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, सिंपली अपने f को ट्रू कर देंगे, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसका डॉक्यूमेंटेशन देखने की कोशिश करता हूँ। तो जब आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो देखो ये क्या कर रहा है, डिलीट्स द फाइल और द डायरेक्टरी डोनेटेड बाय द एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम इफ द डोनेटेड फाइल, जरा नीचे आते हैं, इफ द फाइल डोनेट डायरेक्टरी देन द डायरेक्टरी मस्ट बी एम्प्टी डिलीटेड, ये आपके डायरेक्टरी को भी डिलीट कर देता है, ठीक है। ये रिटर्न क्या करता है, देखो भाई ये रिटर्न करता है ट्रू इफ एंड ओनली इफ फाइल और डायरेक्टरी सक्सेसफुली डिलीटेड। तो आपको यहाँ पे ये करने की जरूरत भी नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे खुद से फॉल्स करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको आंसर दे देगा। तो आप क्या करो, f में डायरेक्टरी स्टोर कर लो, तो अगर फाइल डिलीट हो जाएगी तो f ट्रू हो जाएगा, नहीं डिलीट हो पाएगी तो f फॉल्स हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट फॉल्स है ही, तो कोई इशू नहीं है, दैट मीन्स ये डिलीट फाइल वाला काम हमारा परफेक्ट होगा। इसी तरह हम लोग दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, दूसरा फंक्शन कौन सा समझते हैं हम लोग, सेव फाइल। और एक चीज़ मैंने और कहा था कि इस वाले फंक्शन को स्टैटिक करना है जिससे डायरेक्ट कॉल कर सको, तो स्टैटिक करना तो ईजी है। नेक्स्ट हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं, तो ये खत्म हुआ यहाँ पे, तो हम लोग फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक बुलियन, इसमें भी करेंगे बुलियन, नाम रखेंगे सेव फाइल। इसको दो चीज़ें देनी है, एक इनपुट स्ट्रीम, तो हम लिखेंगे इनपुट स्ट्रीम, और इनपुट स्ट्रीम में लिख देंगे IS कॉमा, और दूसरा देना है पाथ, ठीक है। तो एक्चुअली हमें करना क्या है, इस इनपुट स्ट्रीम से डेटा रीड करके डालना है अपने पाथ पे, तो हम फिर से यहाँ पे बुलियन ले लेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट, f इज इक्वल टू फॉल्स, और रिटर्न कर देंगे f, ठीक है, रिटर्न कर देंगे f, जिससे कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, और अगर डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो हम यहाँ f को ट्रू कर देंगे। फिर से हम लगाएंगे ट्रैक कैच, और कैच में लिख देंगे हम लोग e.printStackTrace, और हम लोग ट्राई के अंदर आ जाएंगे, और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे इस IS से डेटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग बाइट टाइप का एरे बना लेंगे, तो लिखेंगे बाइट बी इज इक्वल टू न्यू बाइट, और इसकी साइज़ क्या रखेंगे भाई, इसकी साइज़ हम लोग पूछेंगे IS डॉट अवेलेबल, जितने बाइट्स अवेलेबल होंगे वो रख देंगे इसके अंदर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डेटा को रीड करेंगे, तो लिखेंगे IS डॉट रीड, और डेटा रीड करने के बाद हम B में रख देंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये IS से डेटा रीड करेगा और बाइट वाली एरे में रख देगा। अब हम लोग को डेटा राइट करना है सिंपली कहाँ पे, अपने पाथ पे। तो डेटा राइट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट FOS इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और सिंपली आपको अपना पाथ दे देना है, परफेक्ट। और पाथ जब आ गया तो सिंपली आप कॉल कर सकते हो FOS डॉट राइट, और राइट में पास कर सकते हो अपना B, दैट्स इट। अब आप अपने FOS को फ्लश कर दो सबसे पहले, और फिर आप FOS को क्या कर दो, क्लोज कर दो, उसके बाद आप F की वैल्यू क्या कर दो, ट्रू कर दो, परफेक्ट। तो ये क्या करेगा, इससे डेटा को रीड करके इस पाथ पे राइट कर देगा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो यूज़ होने वाले हमारे कहाँ पे, डिलीट फाइल एंड सेव फाइल यूज़ होने वाले हमारे एडिट सर्वलेट पे। जैसा ही देखो आपका अपडेटेड टू DB होगा, दैट मीन्स डेटा अपडेट हो चुका है कहाँ पे, DB पे, तो हम लोग क्या करेंगे, पाथ निकालेंगे। किसका पाथ निकालेंगे भाई, पाथ निकालेंगे हम लोग अपने प्रोफाइल पिक्चर का, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए पाथ निकालेंगे, दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग आएंगे इस पिक्स तक का, इस पिक्स तक का आने के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग पाथ, और हम लोग सबसे पहले कॉल करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट रियल पाथ, ठीक है। रियल पाथ मुझे वेब तक का ले आएगा, ठीक है, दिखाता हूँ कहाँ तक। रियल पाथ में आप लगाइए ये वाला सिंबल, ये मुझे ले आएगा भाई यहाँ तक वेब, यहाँ तक ले आएगा वेब तक का, और वेब के बाद मुझे आना है पिक्स, तो पिक्स, आप पिक्स आगे, और उसके बाद आपको लगाना है स्लैश, तो स्लैश लगाने के लिए आप लगाएंगे फाइल डॉट सेपरेटर, ठीक है, आगे यहाँ तक। और इसके बाद हम लोग अपने फाइल का नाम जोड़ देंगे, तो फाइल का नाम कहाँ से मिलेगा भाई, यूज़र डॉट गेट, गेट प्रोफाइल, गेट प्रोफाइल आपको मिल जाएगा अपनी फाइल का नाम,
बस भाई अब हमें क्या करना है, पुरानी फाइल, इस अगर इससे रिलेटेड कोई फाइल है तो डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम हेल्पर से बोलेंगे हेल्पर डॉट डिलीट फाइल और अपना पाथ दे देंगे, ये पुरानी फाइल को डिलीट कर देगा, और डिलीट करने के बाद ट्रू देगा तो इसको हम इफ के अंदर रख देंगे, दैट मीन्स अगर ये ट्रू दिया दैट मीन्स पुरानी फाइल डिलीट हो गई है, और पुरानी फाइल डिलीट हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग कॉल करेंगे हेल्पर हेल्पर डॉट सेव फाइल, और सेव फाइल में देना है इनपुट स्ट्रीम जिसमें डेटा है आपका, तो हम पार्ट से बोलेंगे गेट इनपुट स्ट्रीम, इसमें डेटा मिल जाएगा और अपना पाथ दे देंगे, दैट्स इट। ये क्या करेगा, आपका डेटा राइट कर देगा, और डेटा राइट करने के बाद इफ लगा दो, इसको भी इफ के अंदर रख दोगो, और अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा दैट मीन्स आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है, तो यहाँ आप मैसेज ऊपर वाला मैसेज यहाँ पे उठा के दे दो, सिंपली यहाँ से कट कर लो और यहाँ पे लिख दो प्रोफाइल अपडेटेड, प्रोफाइल फोटो भी अपडेटेड, दैट मीन्स प्रोफाइल अपडेटेड, प्रोफाइल की सारी डिटेल क्या हो गई, अपडेट हो गई हैं, आपकी फ़ोटो भी आपके पिक्स वाले वेरिएबल में पहुंच चुकी है, परफेक्ट। तो हम चला के देख सकते हैं, इसमें कुछ भी दिक्कत होगी तो ये चीज़ नहीं आएगा आउटपुट, ठीक है। और एल्स में भी आप लिख सकते हो, मैंने तो फिलहाल इफ़ 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 ही लगा दिया, आप यहाँ पे एल्स में अपने अकॉर्डिंग मैसेज दे सकते हो कि भाई फाइल नॉट डिलीटेड सक्सेसफुली, तो आप यहाँ मैसेज दे दो, और यहाँ लिख सकते हो फाइल नॉट सेव सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग मैसेज देना होगा, फिलहाल मैं मैसेज नहीं दे रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको मैसेज देना है आप दे दीजिए, परफेक्ट। अब हम सेव करके एक बार प्रोफाइल फोटो अपडेट करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो चलते हैं और अपना प्रोजेक्ट चलाते हैं और प्रोफाइल फोटो को अपडेट करते हैं, देखते हैं कि भाई फोटो वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, उसके बाद हम लोग मैसेज भी दे देंगे परफेक्टली। तो हम रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन में आ जाएंगे, और लॉगिन में हम लोग लॉगिन करेंगे, और भाई देखो लॉगिन में आपको यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में अपनी आईडी अपडेट कर दी थी, और सिंपली हम लोग सबमिट कर देंगे, ठीक है। और हम लोग एडिट करेंगे, और एडिट में सब कुछ सेम रखना है मुझे, इस 8 को 5 कर दूंगा पुराने की तरह, और फोटो मैं चूज़ करूंगा, लेकिन फ़ोटो मैं चूज़ करूंगा स्क्वायर साइज़ की फ़ोटो चूज़ करूंगा, किस साइज़ की भाई, स्क्वायर साइज़ की, जिससे कि सर्कल में आए, ठीक है। तो स्क्वायर साइज़ की मेरे पास फ़ोटो ये एरर वाली है, एरर वाली ही चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ, अपडेट पे क्लिक, सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो कुछ एरर आ गई, देखते हैं क्या एरर आई है, ठीक है। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे और आउटपुट पे आएंगे, और हम लोग अपना कंसोल चेक करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली ये क्या हो रहा है, ये एल्स चल रहा है, क्योंकि पहली बार आपको इस वाले नाम से फ़ोटो नहीं मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली ये इफ़ हटा भी सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है, ये इफ़ हटा भी सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही इफ़ लगाएंगे सेव वाला, और सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे हेल्पर डॉट डिलीट, डिलीट करना वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है, आप क्या कर सकते हो, ट्रेने भी दे सकते हो, बट हम क्या करेंगे हेल्पर डॉट डिलीट फाइल, और हम लोग क्या करेंगे एक बार डिलीट करने की ट्राई करेंगे, अब ट्रू आए चाहे फॉल्स आए। हमने हमने सोचा, हमने क्या किया, हमने डिलीट फाइल कॉल कर लिया, और मैंने ये नहीं देखा भाई अगर फाइल डिलीट होती तब भी मुझे नई फाइल सेव करनी है, और नहीं डिलीट होती तब भी मुझे नई फाइल सेव करनी है, तो चाहे ट्रू आए चाहे फॉल्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग फिर से क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को फिर से रिफ्रेश करेंगे और फिर से हम चलाएंगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, और मैं एक बार आईडी चेक कर लेता हूँ, ईमेल आईडी चेक कर लेता हूँ, तो रिफ्रेश करके, तो हम लोग ईमेल आईडी 5 यूज़ कर रहे हैं, तो ईमेल आईडी अपडेट हो चुकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपडेट हो गई थी पिछली बार, तो हम लोग फिर से सबमिट करते हैं और आते हैं एडिट करते हैं, और इस बार हम सिर्फ फ़ोटो अपडेट करेंगे। तो फोटो में हम लोग फिर से क्या करेंगे, सिंपली देखिए एरर डॉट पीएनजी चूज़ करेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रोफाइल अपडेटेड, और अगर आप पीछे आते हो और रिफ्रेश करते हो तो देखिए यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपडेट हो गई। दोबारा अगर आप अपडेट करते हो सिंपली, तो मान लो कोई आप फ़ोटो दूसरी चूज़ कर रहे हो, लेट अस सपोज आपने चूज़ कर लिया यहाँ पर ये वाली मेरी फ़ोटो या ये वाली मेरी फ़ोटो, और फिर से आप सेव कर दोगे, ठीक है, बैक आओगे, और अगर आप यहाँ पे देखते हो रिफ्रेश करते हो एक बार, तो देखोगे फ़ोटो यहाँ पे अपडेट हो रही है, परफेक्ट, काम हमारा हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, काम हमारा परफेक्टली हो रहा है। बट हम लोग को क्या करना है, ओल्ड वाली प्रोफाइल अपडेट करनी है, क्या ओल्ड वाली प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग थोड़ा सा कुछ काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे एक मैसेज भी प्रॉपर देंगे, क्या देंगे, एक मैसेज भी प्रॉपर देंगे। तो मैसेज प्रॉपर देने के लिए सिंपली मैं यूज़ करूँगा लॉग
एक बार याद करिए, लॉगिन वाला हम लोग मैसेज वाला बॉक्स यूज़ करेंगे, तो हम लोग आ जाएंगे अपने, ठीक है, हम लोग आ जाएंगे अपने लॉगिन पे सर्वलेट में। और यहाँ पे हम लोगों ने देखिए मैसेज वाला, मैं पूरा मॉड्यूल यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इस मैसेज वाले मॉड्यूल को ला के अपने प्रोफाइल के नैब बार के नीचे रखूँगा। तो प्रोफाइल का नैब बार कहाँ ख़त्म हुआ भाई? प्रोफाइल का नैब बार यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो मैं नैब बार के नीचे रख दूंगा, ठीक है। अब मैं जैसे मैं लॉगिन पे मैसेज भेज रहा था, वैसे मैं क्या करूँगा, इस पे भी मैसेज भेजूंगा। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे प्रोफाइल पेज में। अब हम लोग चलेंगे लॉगिन सर्वलेट पे, देखते हैं मैसेज कैसे भेज रहे थे हम लोग। तो आ जाएंगे लॉगिन सर्वलेट पे, तो भाई लॉगिन सर्वलेट आपका मिलेगा सर्वलेट्स में। तो लॉगिन सर्वलेट में हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए रिडायरेक्ट करके मैसेज ये दे रहे थे, तो इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेंगे और जैसे ही प्रोफाइल अपडेट हो रही है हेल्पर में, हेल्पर नहीं, आपकी प्रोफाइल अपडेट हो रही है एडिट सर्वलेट में, ये देखिए प्रोफाइल अपडेटेड। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली वो पेस्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा, ठीक है, पेस्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा। और देखेंगे भाई क्या है, सेशन को आप पहले से निकाल चुके हो तो सेशन को निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हो। और मैसेज को बदल के यहाँ पे हम लोग इनवैलिड की जगह डाल देंगे भाई ये वाला मैसेज, और ये मैसेज है भाई सक्सेस का, तो एरर की जगह लिख देंगे मैसेज है भाई वो सक्सेस मैसेज है। और अगर सक्सेस मैसेज है तो यहाँ पे डेंजर नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए सक्सेस आना चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल अब डिटेल अपडेटेड, प्रोफाइल डिटेल्स अपडेटेड, ठीक है। और सेव करेंगे और इसके बाद रिडायरेक्ट भी कर देंगे, रिडायरेक्ट मतलब ले चलेंगे दूसरे पेज पे। तो अगर ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ परफेक्टली हो जाएगी, अगर नहीं होगी कुछ एरर आती है इन केस नॉट अपडेटेड यहाँ पे आ जाता है, तो हम लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, इस मैसेज में दे देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग समथिंग वेंट लगा देंगे, ये मैसेज देंगे एरर, एरर टाइप का मैसेज है। और एरर टाइप के मैसेज में है हम दे देंगे यहाँ डेंजर, तो ये रेड कलर का मैसेज दिखाएगा भाई। और फिर उसके बाद इस वाले में भी यही चीज़ दिखा देते हैं हम लोग, अगर ये एल्स ये वाला इफ़ चलता है तब भी यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं दिखा देते हैं, परफेक्ट। उसके बाद हम लोग जब ये सारा काम हो जाएगा तब रिडायरेक्ट कर देंगे प्रोफाइल पेज पे। तो रिडायरेक्ट करना बहुत ही आसान है, आप क्या करिए यहाँ पे लिखिए सिंपली रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, और यहाँ पे लिख दीजिए प्रोफाइल डॉट जी एस पी। तो अगर आपको मैसेज वाला नहीं समझ में आया तो ये मैसेज मैंने एक पिछले वीडियो में समझाया है, लॉगिन वाली वीडियो में आपको मैं यहाँ दिखा दूँ जिसमें मैंने लॉगिन बनाना सिखाया था यहाँ पे, ठीक है, लॉगिन बनाना सिखाया था, इसमें मैंने मैसेज देना भी सिखाया था, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ और एक बार प्रॉपर अपडेट करके दिखाता हूँ आपको प्रोफाइल को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे टाइप करूँगा पासवर्ड आया, और फिर मैं एडिट पे जाऊंगा, जो भी अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ईमेल अपडेट कर देता हूँ दुर्गेश कुमार 8896@gmail.com, ठीक है, 8896 की जगह मैं 8899 कर देता हूँ, 8899। उसके बाद नाम भी चेंज करता हूँ, दुर्गेश कुमार को हम डी के तिवारी कर देते हैं, तो हम लिखेंगे DDoK.TIWARI, ठीक है। पासवर्ड भी मैं बदल दे रहा हूँ, पासवर्ड में ABC कर दे रहा हूँ, और आई एम ए न्यू ट्यूबर, ठीक है। फ़ोटो में बदल दे रहा हूँ, तो फ़ोटो नीचे आता हूँ, फ़ोटो नीचे चूज़ करूँगा अपना कोई फ़ोटो, तो परफेक्ट मैं ये फ़ोटो चूज़ करता हूँ और सेव पे क्लिक करूँगा। जैसे सेव क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे आ गया प्रोफाइल अपडेटेड, और आप यहाँ पे देख पाओगे आपका यूज़र नाम DK तिवारी आ गया, क्लिक करोगे परफेक्ट सारी चीज़ें बदल गई, फ़ोटो बदल गई, नाम बदल गया, आईडी बदल नहीं सकती आपका, देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी बदल गई, आप जो बदल रहे थे सारी चीज़ें बदल गई। अगर रिफ्रेश करोगे तो आपका मैसेज गायब हो जाएगा, परफेक्ट। फोटो फिर से बदलनी है, चूज़ डिफरेंट फोटो। अब देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो स्क्वायर साइज़ की नहीं थी तो इसीलिए थोड़ा एलिप्टिकल आ रही, तो आपको अपने इस वाले वेबसाइट में अगर आपको परफेक्ट प्रोफाइल चाहिए तो आपको फ़ोटोज़ स्क्वायर साइज़ की ही लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपको कोई एक्स्ट्रा प्लगइन लगाना पड़ेगा फोटोज़ को स्क्वायर साइज़ का क्रॉप करने के लिए। तो अगर आप फोटोज स्क्वायर साइज़ का क्रॉप कर पाते हो दैट मीन्स परफेक्ट काम होगा। तो ये फ़ोटो मेरे स्क्वायर साइज़ की है, तो आप देख पाओगे फ़ोटो परफेक्ट दिख रही है, परफेक्ट सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो जो जो यहाँ पे। लेट अस फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज या आई एम न्यू यूट्यूबर एंड प्रोग्रामर, ठीक है। और हम लोग यहाँ करते हैं आर, और हम लोग फिर से सेव पे क्लिक करते हैं या कोई फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं,
और फोटो इस बार चूज कर लेते हैं लॉक, ठीक है लॉक, और सेव कर देते हैं। ठीक है यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, देखिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, आई एम अ न्यू ट्यूबर, और फोटो ही मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं फिर से एडिट पे क्लिक करूँगा और फिर से जाऊँगा यहाँ पे और फिर से नई फोटो चूज़ कर लूँगा, कोई इशू थोड़ी ना। जितने मर्जी आपने वेबसाइट बनाई आप अपने हिसाब से यूज़ करिए, तो मेरी फ़ोटो स्क्वायर साइज़ की होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं कोई फ़ोटो है मेरे पास, फ़ोटो पड़ी हुई है तो फ़ोटो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, फिर से अपडेट कर दूँगा, तो फ़ोटो सारी हमारी अपडेट होती जाएंगी, फ़ोटो सारी हमारी क्या होती जाएंगी, अपडेट होती जाएंगी। ये फ़ोटोज़ कहाँ पे अपलोड हो रही हैं ये सिर्फ मैं दिखाता हूँ, फ़ोटोज़ पिक्स में अपलोड हो रही हैं, तो आपका जहाँ पे प्रोजेक्ट है वहाँ पे आ जाइए। तो प्रोजेक्ट हमारा है डेस्कटॉप पे, यूट्यूब प्रोग्राम्स के अंदर, वेब टेक ब्लॉक बिल्ड में है, वेब में है, और हम लोग का पिक्स में है। तो यहाँ पे देख पाओगे सारी फोटोज़ अपलोड हो रही हैं। ठीक है तो डिलीट में हल्का सा दिक्कत आ रही है क्योंकि पुरानी फोटोज़ डिलीट नहीं हो रही हैं, पुरानी फोटोज़ डिलीट नहीं हो रही है। देखो करेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आपकी पुरानी फोटोज़ बची हुई हैं, दैट मीन्स डिलीट में कोई प्रॉब्लम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा गलती हो गई होगी, मैंने वैल्यूज़ पहले चेंज कर दी होगी, उसको बाद में यूज़ कर रहा हूँ तो नई यूज़ हो रही होगी, इस प्रॉब्लम को ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, इतना कोई इशू नहीं है। और अभी तक आप यहाँ पे अपडेट वाला सेक्शन बनाइए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी अपने ब्लॉग्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्रोफाइल वाला कंप्लीट हो गया, लॉगिन लॉगआउट कंप्लीट हो गया, प्रोफाइल एडिट कंप्लीट हो गया और सारी चीज़ें मोस्टली कंप्लीट है। अब हम लोग नेक्स्ट जितनी वीडियो लाएंगे वो सारी ब्लॉग पे लाएंगे, थोड़े बहुत जो एरर्स होंगी उनको भी सॉल्व करेंगे और आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे परफेक्ट बन रहा है, इवन कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट बन रहा है, क्योंकि हम लोग परफेक्ट जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, जावा की जगह जावा यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस की जगह परफेक्टली डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।